संघर्ष की कहानियां तो आपने खूब पढ़ी होंगी, लेकिन रायबरेली के इन होनहार छात्रों के संघर्ष की कहानियां किसी से कम नहीं है। इन्होंने यूपी बोर्ड के रिजल्ट में ऐसा इतिहास रचा जिससे हर कोई हैरान रह गया। पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और खास सुविधाओं की नहीं बल्कि मेहनत और लगन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा और आधुनिक सुविधाएं नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत करने की ठान ले तो सफलता जरूर मिलती है। बेटा क्या नाम है आपका? दीपेंद्र कुमार। कितने परसेंटेज मार्क आए आपसे? जी सर 97 परसेंट है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं एकदम। सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अरे अपने माँ बाप को देना चाहते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर स्कूल वाले को योगदान रहा बहुत, और ऐसे ही सहयोगों को भी योगदान था, स्कूल वालों को ज़्यादा सपोर्ट रहा यहाँ पर, माता पिता ने भी बहुत मदद की मेरी। क्या महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। अपने प्रबंधक सर आपके जो हैं जी, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया, मतलब हेल्प की इन्होंने, सपोर्ट किया हमें और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मदद की भी। आगे आपके इतने अच्छे नंबर आए हुए हैं, आगे क्या एम है, क्या सपना है, आगे क्या बनना जी? अभी देखिए पापा जो भी कहेंगे उसी लाइन में जाना है। आपका क्या सपना है? जी अब इंजीनियर बनने का सपना है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी यही संदेश देना चाहते हैं, कठिन परिश्रम करें वो लोग भी, तभी हमारी तरह बन सकते हैं। क्या नाम है बेटा? सर युवराज सिंह। आज क्या किस चीज़ करिए? यूपी बोर्ड क्लास 10। किस क्लास? क्लास 10 में। कितना परसेंटेज बना है? 93.83 आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं और स्कूल के अध्यापक गणों को। ये सर आपको परिश्रम करना पड़ेगा तभी आप इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। क्या सपना क्या आगे चल के क्या बनना? इंजीनियरिंग करनी है सर। कैसा महसूस कर रही हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे जैसे सबके बच्चे को खुशहाली मिले, ऐसे आशीर्वाद सबको मिले। विद्यालय के जो प्रबंधक सर हैं, अन्य टीचर लोग हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं? बहुत मेहनत। इनको कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो शिक्षा दी है वो अच्छी दी है, ऐसे सब लोग बच्चे को दिए हैं। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? आज हम लोग बहुत खुश हैं। क्या आप बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं? क्या आपका आपका क्या सपना है? अपने बच्चे को बनाना क्या, जब भगवान चाहेंगे वो हो जाएंगे। फिर भी आप लोग को सोच रखा होगा? इंजीनियर सोच रखा है कि जो है बन जाए। मैडम एक सवाल है, कितने घंटे पढ़ाई करके जो है ये सफलता? शाम सवेरे, और इनके सर जी हैं कोचिंग के, वो बहुत इनको पढ़ाते हैं, लगन देते हैं, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो अपने सर से बात करके जाते हैं कि हमको क्या लिखना है, क्या करना है, आशीर्वाद लेके जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया शुक्ला है। क्लास 10th में। कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या किसका सहयोग सबसे ज्यादा आपके साथ रहा? हमारे अभिभावक का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, और हमारे बड़े भाई ने हमारी पढ़ाई में बहुत सहायता की है, और हमारे गुरुजनों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। प्रबंधक सर ने हमारी हर तरह से मदद की है, और हमें पढ़ाया भी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई हैं, और बहुत अच्छी पढ़ाई की। सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? फिलहाल हम अपने अभिभावक को देना चाहेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं इस विद्यालय का संस्थापक हूँ। आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकला हुआ है जी, क्या कैसे क्या रहा है हाई स्कूल? हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों रिजल्ट निकला है। बोर्ड की साइड है थोड़ी सी इस समय हैंग होने के कारण इंटरमीडिएट रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन हाई स्कूल का रिजल्ट 100% है, जिसमें हमारे यहाँ के छात्र दीपेंद्र ने जिले में दूसरा और उत्तर प्रदेश में 8वीं पोजीशन प्राप्त किया है, जिसके 600 में 583 नंबर हैं, 97.16% हैं उसके। टोटल कितने बच्चे थे हाई स्कूल में? हाई स्कूल में हमारे पास 194 बच्चे थे, जिसमें लगभग 25 बच्चे 90% के ऊपर हैं, जिसमें मैथमेटिक्स में 18 बच्चों में 100 में 100 हैं। अभी इंटर का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है? इंटर रिजल्ट बोर्ड की साइड न चलने के कारण अभी पूरा अपलोड नहीं हो पा रहा है। बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बच्चों को संदेश ये देना चाह रहे हैं, जिस अभाव में ग्रामीण क्षेत्र में
पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इनके अभिभावकों की है जिन्होंने हमारे पर भरोसा किया। और आज जो रिजल्ट आया ये हमारा अपना ओरिजिनल रिजल्ट इस तरह का है कि ये बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी से पढ़ रहे हैं और 12 साल की मेहनत का परिणाम आज ये है कि इस पूरे क्षेत्र में 90% के ऊपर एक ही विद्यालय के अंदर 20 बच्चे आना एक अप्रत्याशित रिजल्ट है। आपके यहाँ एक बच्चा जो है जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उसके अभिभावक एक टेम्पो चलाकर विषम परिस्थितियों से अपने बच्चों को जिस तरह से शिक्षा दिलवाए हैं, उन अभिभावकों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उन अभिभावकों, ये अभिभावक जो हैं इस पूरे क्षेत्र का सभी जो मेधावी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में है कि आर्थिक स्थिति, इसका मतलब शिक्षा में कहीं भी आर्थिक स्थिति नहीं आती है। टेम्पो चालक का बच्चा, किसान का बच्चा और खेतों मजदूरी करने वाले बच्चे आज की डेट में टॉप कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ऐसे अभिभावकों के पिछले जन्म के कोई पुण्य हैं कि इनको ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये रिजल्ट है। इनके अभिभावकों को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, कि संघर्षों के जीवन में अपने बच्चे को इन्होंने तराशा है। आगे बच्चों के लिए क्या-क्या? बच्चों के लिए जो भी आगे हो सकता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय कर ही रहा है और जो भी अच्छा होगा, बच्चे जिस तरह हमारे यहाँ चाहते हैं, जितना अतिरिक्त कक्षाओं का चाहते हैं वो उनको अवेलेबल कराई जाती है, किसी व्यक्तिगत सब्जेक्ट में, पर्सनल सब्जेक्ट में इनको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको अवेलेबल कराया जाता है। जो भी बच्चे डिमांड करते हैं शिक्षा से इससे संबंधित, वो सारी मांगें इन बच्चों की पूरी की जाती है और इन सारे बच्चे, उत्तीर्ण बच्चों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई है बोर्ड के रिजल्ट।